गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खिचड़ी क्रिएटर। आई होप अभी आप सभी लोग अच्छे व सुरक्षित होंगे और मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही होंगी आपके ट्रैवल में। और अगर मैं आज के मौसम की बात करूँ तो मौसम खुला हुआ है, हल्के फुल्के बादल हैं। ये देखो, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है आजकल, घूमने लायक है। तो घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कहीं पे लैंडस्लाइड भी नहीं हुआ है क्योंकि बरसात है नहीं। कल मौसम जो सुबह ख़राब था उसमें हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम पूरा खुला हुआ था। मैंने शॉर्ट्स भी डाला था इवनिंग का, तो वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। कल मेरे व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि हमें होटल बुक करना चाहिए या नहीं। अगर मेरी ओपिनियन लेंगे तो होटल बुक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबी छुट्टियां पड़ने वाली है तो नैनीताल पैक भी हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट एक गाइडलाइन जारी कर देती है कि आपकी गाड़ियों को ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। अगर आपके पास बुकिंग है तो आपको नैनीताल के अंदर एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, आपकी गाड़ी को नीचे ही रोक दिया जाएगा। और अगर वैसे आप बस से आते हैं या किसी टैक्सी से आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे आ सकते हैं। होटल रूम्स की उतनी प्रॉब्लम नहीं है नैनीताल में, बस एक पार्किंग की प्रॉब्लम है, इस वजह से गवर्नमेंट जो है गाइडलाइन जारी कर देती है। अगर मैं बोटिंग के बारे में बताऊं तो लोग यहां के सबसे ज़्यादा बोटिंग करते हैं, तो बोटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो लेक का एज है उसके हर 300-200 मीटर बाद आपको बोट स्टैंड मिल जाता है। तो अगर आपको दिक्कत होती है ढूंढने में तो आप लेक के एज पर चलेंगे तो आपको बोट स्टैंड मिल जाएगा। और कितने ही चालक होते हैं जो आपको ढूंढते रहते हैं बोटिंग के लिए, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे बोलते हुए कि बोटिंग। और मैं बता दूं, ये जितने भी रेट्स हैं बोट के, ये गवर्नमेंट रेट हैं, आपको पहले टिकट लेना है उसके बाद ही आप बोट में घूम सकते हैं। और अगर आप हाँ ऑफिस खुलने से पहले आ जाते हैं तो आपको उस पोलर को पैसे देने होंगे जो बोट चलाएगा आपको और घुमाएगा। बात मौसम की करूँ तो मैं, अगर नोटिफिकेशन तो कोई जारी नहीं है और हल्के फुल्के बादल हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये बादल हट ही जाएंगे, अगर होगी तो हल्की फुल्की बारिश होगी लग रहा है। और रोडों की कंडीशन मैं आपको बता दूं तो सारी रोडें खुली हुई है, कोई भी रोड ब्लॉक नहीं है, बस वही भवाली नैनीताल टू भवाली वाली रोड में ही आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो शाम के 6:30 से सुबह 5:30 तक का बंद रहती है। आई होप फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपके ट्रैवल में हेल्प कर रही होंगी, और अगर हेल्प करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और इस सैटरडे मेरा एक ट्रैकिंग में वीडियो आने वाला है, तो थोड़ा इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश है, प्लीज़ चैनल से जुड़े रहना और उस वीडियो को जरूर देखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।